Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind, and in today's video we are going to start the part third of igneous petrology. So I hope all of you are doing amazing. So let's start with forms and structures of igneous rocks. This is going to be the topic of this video lecture. Okay, so if you are new to the channel, don't forget to like, share and subscribe to GeoMind and join my Telegram group. I have given the link in the description below. My name is Swapnil and let's start with the contents of this video. So first, we will talk about forms of igneous rocks such as concordant and discordant. These are fairly basic, most of you might have gone through it, and all these forms we will discuss. You see in your screen, then we will discuss the structures of igneous rocks, and there are 10 to 11 structures we will discuss thoroughly. Let's start with forms of igneous rocks. So basically what happens, hamare paas jab magma hota hai to magma ek to सरफेस के नीचे सॉलिडिफाइड हो सकता है, राइट, या वो वॉल्केनो के तौर पे या फिजर इरप्शन के तौर पे, जब हमारे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है या कहीं पे मेंटल प्लूम्स होता है तो वो लावा के तौर पे बाहर निकलता है, ठीक है। तो दो तरीके की इग्नियस बॉडीज होती है, ब्रॉड सेंस में अगर कहें, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब होता है जब लावा इरप्ट होता है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो जब वो इग्नियस बॉडी बनाता है यानी कि इग्नियस रॉक्स बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडी। इंट्रूसिव यानी कि जब जो मैग्मा होता है वो सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। नाउ रॉक्स और बॉडीज में अंतर होता है। रॉक्स हम पर्टिकुलर एक डेजिग्नेशन दे देते हैं डिफरेंट एक एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स को, लेकिन बॉडीज का मतलब होता है कि किस शेप या किस फॉर्म में हमें वो इग्नियस रॉक्स मिल रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके की क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। एक तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्लासिफिकेशन, उसको भी हमने, इंट्रूसिव को भी हमने दो तरीकों में बांट दिया है। एक होता है शैलो इंट्रूसिव जो कि नियर सरफेस डेप्थ पे पाई जाती हैं, और एक होता है प्लूटोनिक जो कि डीप डाउन अर्थ यानी कि मोर देन 5 किलोमीटर आप कह सकते हो वहां पे पाई जाती है, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन इस तरीके से हम देखते हैं, और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड अपॉन देयर रिलेशन टू सराउंडिंग रॉक्स, ठीक है। तो इंट्रूसिव बॉडीज को हम कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट के तौर पर भी डिवाइड करते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि मेरी विसिनिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। तो अगर कोई इग्नियस बॉडी जो है वो पैरेलल है, ठीक है, सराउंडिंग रॉक के, तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास मान लो सराउंडिंग रॉक्स हैं एंड दीज हैव बेडिंग्स लाइक दिस। आपको सबको पता है कि बेडिंग क्या होती है, ठीक है। तो वेन दे आर पैरेलल टू द बेडिंग, ओके, सो सच एज आई हैव दिस इग्नियस बॉडी हियर, ओके, लेट अस सपोज दिस इज अवर इग्नियस बॉडी एंड दिस इग्नियस बॉडी इज पैरेलल टू द सराउंडिंग कंट्री रॉक और द बेडिंग ऑफ द कंट्री रॉक। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी, ओके। एंड इफ द इग्नियस बॉडी कट्स अक्रॉस द लेयरिंग इट इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंट, ओके। सो अगर हमारी जो कंट्री रॉक है उसकी बेडिंग कुछ ऐसी है और इग्नियस बॉडी जो है हमारी वो कट कर रही है बेडिंग को, तो उसको हम बोलेंगे डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी, ओके। तो इंट्रूसिव को हमने इस क्लासिफिकेशन के तौर पे भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब आपको एक ध्यान रखना है कि मैग्मा जो होता है वो ऑलवेज इंट्रूड इन अ डायरेक्शन दैट इनेबल इट टू फोर्स असाइड द रॉक इन अ मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन। तो मैग्मा जो होता है वो जब भी इंट्रूड करेगा वो उस डायरेक्शन में इंट्रूड करेगा जहां रॉक की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम होती है, यानी रॉक यानी कि जो कंट्री रॉक होती है, ठीक है। तो इफ आई हैव अ कंट्री रॉक लेट्स से दिस एंड अ मैग्मा प्लूटोन इज यू नो राइजिंग थ्रू इट। नाउ सपोज आई हैव अ बेडिंग लाइक दिस, सो अ रॉक विल ऑलवेज बी वीकेस्ट अलोंग इट्स बेडिंग, राइट। सो जो मैग्मा होता है वो
या फ्रैक्चर से इंट्रूड करके बेडिंग के थ्रू यहाँ पे अकुमुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक तो वीक पॉइंट ये हो गया यानी कि बेडिंग। दूसरा वीक पॉइंट ये भी हो सकता है कि बेडिंग के अलावा रॉक्स में फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो फ्रैक्चर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ओके, परपेंडिकुलर टू बेडिंग और इंक्लाइन टू बेडिंग। तो अगर फ्रैक्चर भी है तो ये मैग्मा जो होगा ये फ्रैक्चर्स के थ्रू चला जाएगा। नाउ इन दिस केस दिस इज द डिस्कॉर्डेंट, ओके, सो दिस वन इज डिस्कॉर्डेंट एंड दिस इज कॉनकॉर्डेंट, ओके। सो यू रिमेंबर दैट द मैग्मा विल ऑलवेज इंट्रूड थ्रू द मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन, ओके, एंड दिस देयरफॉर दिस डिटरमाइंड वेदर एन इंट्रूजन इज कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट, ओके, बेस्ड अपॉन द मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन। मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन कैन बी द लेयरिंग और द फ्रैक्चर इटसेल्फ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट शैलो इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, ओके, सो सच एज डाइक्स, सिल्स, लैकोलिथ, फैकोलिथ्स, कोन शीट्स, रिंग डाइक्स एंड डायट्रीम्स। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिल्स एंड डाइक्स। तो सिल्स और डाइक्स बेसिकली क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हैं, ये हमारा जो मैग्मा है ये इंट्रूड हो रहा है, दिस ऑरेंज थिंग हियर, थ्रू द वॉल्केनो। नाउ जब कोई मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो रहा है पैरेलल टू द बेडिंग इन थिन शीट्स, ओके, एज यू कैन सी हियर, और उसका हम अगर मैग्निफाई करेंगे तो ये आपको यहां पे कुछ फील्ड में ऐसा दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सिल। नाउ सिल इज बेसिकली पैरेलल टू द कंट्री रॉक लेयर्स। कंट्री रॉक यहां पे क्या है, जो ऑलरेडी रॉक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो ये कंट्री रॉक्स है हमारी, ठीक है, दिस ऑल, ओके। नाउ इनकी बेडिंग आप देख सकते हो, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड सिल इज पैरेलल टू आवर कंट्री रॉक्स, ओके, सो दिस इज आवर सिल एंड दिस आर आवर कंट्री रॉक्स, ओके। डाइक की बात करें तो डाइक इज आवर डिस्कॉर्डेंट बॉडी, ओके, यानी कि इट कट अक्रॉस द बेडिंग। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि लावा ने इंट्रूड किया, सॉरी मैग्मा ने इंट्रूड किया, एंड इन दिस केस दिस इज योर डाइक बिकॉज इट इज रनिंग अक्रॉस द बेडिंग, ओके। सो डाइक कट्स अक्रॉस द लेयर्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी कंट्री रॉक्स की लेयर्स हैं। नाउ कंट्री रॉक्स कैन बी एनीथिंग, इट माइट बी an igneous rock or a sedimentary rock or anything, okay, and these are our layers. In this case this is our sedimentary rock, okay. Usually it's sedimentary rocks because the shallow intrusive igneous bodies are there, so in shallow environment usually we encounter the sedimentary rocks, okay. To aap dekh sakte hain ki yahan pe jo hamari body hai igneous ki, ye ek dike hai, to isko hum bolenge dike, okay. That is कटिंग अक्रॉस दी बेडिंग, यहां पे एक बेडिंग है और उसको कट कर रही है, ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे अगर फील्ड में बनाएंगे इसका स्केच तो ये कुछ ऐसे दिखेगा हमें, दिस इज अवर बेडिंग एंड इट इज कटिंग अक्रॉस द, तो इसको हम बोलेंगे डिस्कॉर्डेंट बॉडी। तो एक डिस्कॉर्डेंट बॉडी भी है, तो डाइक इज डिस्कॉर्डेंट एंड सिल इज कॉनकॉर्डेंट, ओके। बोथ जो होती है वो टेबुलर होती है यानी कि टेबलेट शेप में होती है, तो डाइक्स भी क्या होती है, एक अगर हम 3D बनाएंगे इसका तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ओके, सो इट इज अ टेबुलर शेप्ड बॉडी, ओके। सिल अकर्स व्हेन मैग्मा एक्सप्लोइट्स द प्लैनर वीकनेस बिटवीन सेडिमेंटरी बेड्स और अदर फोलिएशन, ओके। तो अगर सेडिमेंटरी रॉक्स हैं तो हमारी बेडिंग हो जाएगी, और अगर कोई मेटामॉर्फिक रॉक है तो फोलिएशन हो जाएंगी, या इग्नियस रॉक्स हैं तो उस केस में भी फॉलिशन हो जाएंगी, ओके, और फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। तो बेसिकली जो सिल होता है वो प्लैनर वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, प्लैनर यानी कि जो पैरेलल लेयर्स होती हैं, और सिल कॉमनली फॉर्म्स इन लो विस्कोसिटी मैग्मा एंड आर जनरली लेस देन 50 मीटर्स इन थिकनेस, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सिल में जो मैग्मा होता है
वो एक लो विस्कोसिटी का मैग्मा होता है, यानी कि बेसिक टू एंडेसिटिक नेचर का होता है, जिसमें सिलिका कंटेंट जो होता है वो लेस देन 55% होता है। ओके, डाइक जो होता है, डाइग्मा, डाइक इज अ मैग्मा फिल्ड फ्रैक्चर्स दैट कट अक्रॉस द बेडिंग और अदर कंट्री रॉक स्ट्रक्चर। ओके, तो डाइक यूजली बेडिंग के थ्रू नहीं होता है, बट इट कट अक्रॉस थ्रू द सॉरी इट यूजेस फ्रैक्चर्स एज अ वे थ्रू। ओके, तो यहां पे जो डाइक है वो फ्रैक्चर्स को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, तो फ्रैक्चर इज एन आइडियल कॉन्डिट फॉर मैग्मा बिकॉज फ्रैक्चर कैन पेनिट्रेट डीपली एंड फॉर्म इजिली, पर्टिकुलरली इन एरियाज अफेक्टेड बाय एक्सटेंशन और द फोर्स ऑफ अ राइजिंग मैग्मा डायपे। तो इसका मतलब क्या है कि डाइक जो है हमारा, लेट अस से दिस इज अवर सरफेस, ओके, एंड यहां से हमारा मैं इसी को डायग्राम को दिखाता हूं आपको। तो यहां पे देख सकते हैं जो ये वर्टिकल है ये हमारा डाइक है। ठीक है, तो यूजली क्या है, बेडिंग हमारी ये होती है, तो सिल तो हमारी प्लैनर बेडिंग को एक्सप्लोर्ट कर रही है, लेकिन जो डाइक होता है फ्रैक्चर्स अगर यहाँ पे डेवलप्ड हैं तो डाइक क्या है, फ्रैक्चर के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइक्स। तो डाइक जो होता है वो रेडियल भी हो सकता है, कोन शीट भी हो सकता है और रिंग डाइक्स भी हो सकता है। वैसे सिल्स भी जो है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। ओके, तो होते हैं सिंपल सिल्स, मल्टीपल सिल्स, कंपोजिट सिल्स बेस्ड अपॉन द इंट्रूजन फ्रीक्वेंसी। अगर सिंगल इंट्रूजन हो रहा है मैग्मा का, यानी कि एक ही बार में अगर मैग्मा जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सिल्स। अगर दो से मोर इंजेक्शन हो रहे हैं सेम काइंड के तो उसको बोलेंगे मल्टीपल सिल्स। अगर दो से ज्यादा इंजेक्शन है मैग्मा के और वो सॉलिडिफाई हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट काइंड के इंजेक्शन है, ठीक है, यानी कि एक डिफरेंट कंपोजिशन का है, दूसरा इंजेक्शन जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन का है, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट सिल्स। ओके ओके, देन देयर इज डिफरेंशिएटेड सिल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर जो सिल की शीट जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, थिक है, और उसमें क्या है मिनरल्स जो है वो सेग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस से इसका एग्जांपल मैंने बोवंस रिएक्शन सीरीज में पेलिसेड सिल्स जो है यूएसए में, पेलिसेड सिल्स वो काफी थिक हैं, तो वो कम से कम 300 मीटर के आसपास थिक हैं शायद, एंड इतनी बड़ी थिक शीट्स सिल्स की पाया जाना बहुत ही रेयर होती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे नीचे हमारा एक डिफरेंट मिनरल एक्यूमुलेट होगा, फिर यहाँ पे डिफरेंट मिनरल एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो यूजली ये अल्ट्रामाफिक यानी कि फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा होता है, सच एज ऑलिविन सबसे पहले एक्यूमुलेट होगा और यहाँ सबसे ज्यादा फेल्सिक यानी कि क्वार्ट्ज मिनरल एक्यूमुलेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मिनरल्स सेग्रीगेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सिल्स। ओके, यूजली ये थिक सिल्स में पाया जाता है। इंटरफॉर्मेशनल सिल्स वो होते हैं जो शीट्स ऑफ मैग्मा इंजेक्टेड अलोंग और इन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ अनकॉन्फॉर्मिटी इन सीक्वेंस। ओके, तो यूजली जब अनकॉन्फॉर्मिटी होती है, अनकॉन्फॉर्मिटी सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है, तो वहां पे अगर हमारा मैग्मा जो होता है वो सिल्स के तौर पे सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसको हम इंटरफॉर्मेशनल सिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक अनकॉन्फॉर्मिटी होगी। और मोस्ट ऑफ द सिल्स आर कंपोज्ड ऑफ साइनाइट एंड गैब्रो। गैब्रो का मतलब ये बेसिक कंपोजिशन का होता है, साइनाइट इज इंटरमीडिएट कंपोजिशन। इंटरमीडिएट यानी कि सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो इंटरमीडिएट होता है। ऑलराइट, तो ये बात रही टाइप्स ऑफ सिल्स। अब हम टाइप्स ऑफ डाइक्स में आ जाते हैं। तो रिंग डाइक्स अकर व्हेन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय मैग्मा इज लेस देन द वेट ऑफ द ओवरलाइंग रॉक फर्स्ट। ओके, सो रिंग डाइक जब मैग्मा का प्रेशर जो होता है ओवरलाइंग रॉक से कम होता है। ठीक है, कोन शीट व्हेन द प्रेशर ऑफ द मैग्मा इज ग्रेटर देन द कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। तो ये डिफरेंस है रिंग डाइक्स एंड कोन डाइक्स में। अब इनका डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रिंग डाइक एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन शीट। तो रिंग डाइक में क्या है, जो मैग्मा का प्रेशर है वो कम है overlying rocks है. So this is your overlying rocks and this is your grayish part is your magma and this is the cross section. तो अगर हम इसे planar view में देखें यानी कि ऊपर से top view में देखेंगे
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको मैप व्यू बोलते हैं. सो दिस इज योर रिंग डाइग, इट इज शेप ऑफ अ रिंग. ओके, एंड दिस इज योर कोन शीट. तो ये कोन शीट है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है और इसको हम प्लानर व्यू में देखेंगे कोन शीट को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ओके ओके, सो इट विल फॉर्म अ कोन. तो आप देख रहे होंगे कोन फॉर्म कर रहा है, राइट. एंड कोन शीट के मामले में क्या होता है, मैग्मा का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है देन द ओवरलाइंग रॉक. ओके, सो डाइक वेरी इन विड्थ फ्रॉम मिलीमीटर टू टेंस ऑफ मीटर रीचिंग इन रेयर केसेस 150 मीटर. डाइक्स दैट आर टेंस ऑफ मीटर वाइड कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ किलोमीटर लॉन्ग. ये आपको ध्यान में रखना है कि डाइक्स जो होती है वो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जो उसका विड्थ होता है वो कम ही होता है, यानी कि 150 मीटर से कम ही रहता है. डैक्स एंड सिल्स आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय मल्टीपल इंजेक्शन ऑफ मैग्मा. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक ही इंजेक्शन में जनरली फॉर्म नहीं होता है. मैग्मा की पल्सेस जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो डैक्स एंड सिल्स फॉर्म होते हैं. ओके, डैक्स आर पर्टिकुलरली कॉमन इन जोन्स ऑफ क्रस्टल एक्सटेंशन. तो जहां पे प्लेट बाउंड्रीज जो है वो एक दूसरे से अलग हो रही हो वहां पे, वहां पे जो है सपोज दिस इज अ जोन ऑफ क्रिस्टल एक्सटेंशन, और यहां पे जो है डाइक्स और सिल्स, सॉरी डाइक्स जो होती हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं. ओके, एज इन केस ऑफ मिड ओशनिक रिजेस. ओके, नाउ अगर डाइक्स जो है बहुत ज्यादा नंबर में पाई जाती हैं तो उनको बोलते हैं हम डाइक स्वार्म्स, राइट. नाउ कोन शीट्स जो डाइक्स होती हैं आर रेयरली मोर देन कपल ऑफ मीटर्स थिक. ओके, सो कोन शीट्स डाइक्स आर वेरी थिन, रिमेंबर दैट. और कोन शीट्स डाइक्स जो होती हैं वो इंक्लाइंड होती हैं टुवर्ड्स अ कॉमन एपिक्स. ओके, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है रिंग्स डाइक जो होती हैं वो थिक होती हैं कोन शीट्स से. ओके, सो रिंग डाइक्स जो होती हैं आर थिक एंड जनरली क्या होता है, ये रिंग डाइक जो होती हैं अगर ये यहां से लेट्स से दिस इज योर सरफेस, दिस इज योर सरफेस एंड दिस पार्ट इरोड्स अवे, और या ये वॉल्केनो का फॉर्म ले लेता है, तो जनरली रिंग जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो कैल्डेरा का रूप ले सकते हैं. तो कैल्डेरा आप देख, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा क्रेटर होता है, ठीक है ना. क्रेटर यानी कि अगर मैं वॉल्केनो के सेंस में बोल रहा हूँ तो उसको हम कैल्डेरा बोल सकते हैं, ठीक है. तो कैल्डेरा फॉर्म होता है जनरली, जो रिंग फ्रैक्चर्स होते हैं वो कैल्डेरा का रूप ले सकते हैं, राइट. इफ इट रोड्स अवे देन इट विल टेक द फॉर्म ऑफ कैल्डेरा. एंड जो रिंग डाइक्स होती हैं, बिकॉज इट इज थिकर द रॉक्स ऑफ द रिंग डाइक्स आर कोर्स ग्रेन. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ वन थिंग टू नोट इज देयर दैट जनरली हम सिल्स की बात जब करते हैं तो हॉरिजॉन्टल्स होती है, ठीक है ना, क्योंकि बेडिंग जनरली हॉरिजॉन्टल होती है. बट व्हाट इफ द बेडिंग इज टिल्टेड. ओके, सो सपोज दिस इज अवर बेडिंग एंड दिस इज अवर इग्नियस बॉडी, अ टेबुलर इग्नियस बॉडी, राइट. तो इसको हम यूजली डाइक से कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है. बट आपको देखना है कि इसकी जो रिलेशनशिप है सराउंडिंग कंट्री रॉक से वो कैसी है, ठीक है. तो इन दिस केस दिस इज पैरेलल टू बेडिंग, राइट. तो ये एक सिल है, ठीक है. और वैसे ही हम डाइक्स, लेट्स से दिस इज अवर बेडिंग, और अगर ये कुछ हमारी इग्नियस बॉडी ऐसी है तो जरूरी नहीं है सिल होगा, क्योंकि ये हमको रिलेशनशिप देखनी है टू द सराउंडिंग कंट्री रॉक. ओके, तो इन दिस केस द मैग्मा बॉडी इज इंट्रूडिंग द और कटिंग अक्रॉस द बेडिंग. तो इस दिस केस में ये क्या होगा, डिस्कॉर्डेंट यानी कि डाइक हो जाएगी, ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज अवर कोन शीट. तो आप देख सकते हैं कि कोन शीट में ये
इग्नियस बॉडी है एंड दिस इज अवर रिंग डाइक। तो रिंग डाइक में आप देख सकते हो कि मैग्मा चैम्बर है। अब होता क्या है कि हमने रिंग डाइक में बोला था कि जो ओवरलाइंग रॉक होती है उनका प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये ओवरलाइंग रॉक है और इसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, नीचे डिप करेगी। ओके, इट विल फॉल डाउन और यहां पे ये फ्रैक्चर्स क्रिएट होंगे और जो मैग्मा चैम्बर होगा इट विल स्प्यू आउट फ्रॉम दीज फ्रैक्चर्स एंड फॉर्म अ रिंग लाइक दिस। एंड जब ये डिप डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला यहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा और ये एक बहुत बड़ा कैल्डरा फॉर्म कर सकता है। तो कैल्डरा जनरली हम वॉल्केनो के सेंस में देख सकते हैं बट जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कैल्डरा इसके जरिए भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। नाउ डाइक्स हमने अभी डिस्कस किया, तो एक एन एशलॉन डाइक्स भी होती हैं, ठीक है, जो एक ऑफसेट डाइक्स बोल सकते हैं इनको। तो एक डाइक ये होगी, एक डाइक ऐसी होगी, एक डाइक ऐसी होगी, ये होगी, ठीक है। पैरेलल डाइक्स और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये एक बड़ा सा डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये है देखो शीटेड डाइक्स कॉम्प्लेक्स। तो इसको डाइक्स स्वाम भी बोलते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल एक्सटेंशन हो रहा है हमारा। ओके, दिस इज अवर एनेशलॉन डाइक्स, ऑफसेट डाइक्स। ओके, तो ये बात रही हमारी सिल्स एंड डाइक्स की। अब हम बात करते हैं डायट्रीम्स की। तो डायट्रीम्स क्या होती हैं? डायट्रीम्स आर इलोंगेटेड कैरेट शेप्ड, कैरेट शेप यानी कि एक जो आइसक्रीम का कोन होता है उसकी तरफ पे हम बोल सकते हैं। आर बॉडी इज फिल्ड विद ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स नोन एज ब्रैक्शिया। The fragments include rock through which the diatreme passes on its way to the surface. These fragments, which can include diamond-bearing rocks, the surface expression of the diatreme is referred to as mar. Okay, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप यहाँ डायग्राम में देखो कि अगर igneous body जो है वो कुछ इस शेप में है, okay, और उसके अंदर जो है वो कुछ फ्रैगमेंट्स हैं कंट्री रॉक्स के, एंड यूजुअली जो है ये बॉडी जो होती है ये शैलो होती है, शैलो इंट्रूसिव बॉडी होती है, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका दिखता है क्योंकि ये क्रस्ट तक आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एक्सप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं मार क्रिएटर, ओके, क्योंकि ये सरफेस है हमारा एंड ये जो सरफेस एक्सप्रेशन है इस बॉडी का इसको बोलते हैं मार। तो जनरली क्या होता है, ये बॉडी जो होती है ये जो वॉल रॉक होती है, तो दिस सराउंडिंग रॉक इज योर वॉल रॉक और इसके फ्रैगमेंट्स लेके ऊपर चली जाती है, ओके, एंड यूजली ये ब्रैक्शिएटेड होती हैं यानी कि एंगुलर रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। एंड जनरली जो डायमंड्स होते हैं वो भी इसी बॉडी में पाए जाते हैं, ओके। सो किम्बरलाइट आपने सुना होगा, किम्बरलाइट इज अ रॉक विच कंटेन्स डायमंड्स, ओके। तो मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इन डायट्रीम दैट कंटेन डायमंड्स इज कॉल्ड किम्बरलाइट, नेम्ड आफ्टर किम्बरली साउथ अमेरिका जहां पे इसकी माइन है, ओके। तो आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि जो डायमंड्स थे पहले वो जनरली सैंड्स एंड ग्रेवर्स में पाए जाते थे एज अ प्लेसर डिपॉजिट्स, बट when they were first found in bedrock, यानी कि एक igneous body में जब पाए गए तो वो Kimberley area में पाए गए और वहीं से इसका नाम Kimberlite पड़ा। तो ये generally diatremes के form पे पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा diatreme है यहाँ पे, तो यहाँ से ये igneous body पाई गई, igneous जो magma है वो ऊपर गया और ये उसने body यहाँ पे बना दी। तो उसका surface expression जो है वो मार है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो डायट्रीम्स होती हैं उसमें जनरली एक्सप्लोजन नहीं होता है, ओके, बहुत सेलो एक्सप्लोजन होता है, तो ये वोल्केनो वाला एक्सप्लोजन नहीं होता है, ओके, नो वोल्केनिक एक्सप्लोजन हियर। देन देयर इज अवर लैकोलिथ। नाउ
ऑब्वियसली जो डायट्रीम है वो डिस्कॉर्डेंट बॉडी होगी, ठीक है ना, डिस्कॉर्डेंट, सॉरी। सो लैकोलिथ, लैकोलिथ की बात करें तो लैकोलिथ, व्हेन अ सिल्स टेंडेंसी टू लिफ्ट द ओवरलाइंग रॉक एक्सीड्स इस टेंडेंसी टू स्प्रेड लैटरली। इसका मतलब क्या है, सपोज हमारा सिल है, ओके, एंड सिल जनरली आर टेबुलर इन शेप। नाउ व्हेन सिल कैन नॉट एक्सपेंड लैटरली, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली इट विल लिफ्ट अप द ओवरलाइंग कंट्री रॉक। ओके, तो अगर कोई बॉडी इस शेप में है बट इट इज नॉट इंट्रूडिंग, इट इज नॉट इंट्रूडिंग द कंट्री रॉक, आप देख सकते हैं कि बेडिंग को इंट्रूड नहीं कर रहा है, ये तो हमारा फीडर डाइक है, इसको हम बोलेंगे फीडर डाइक। नाउ दिस इज डिस्कॉर्डेंट, ओके, इट इज इंट्रूडिंग द कंट्री रॉक, लेकिन जो ये वाली बॉडी है, ओके, दिस इज अवर लैकोलिथ। तो इट इज एक्चुअली अ सिल, लेकिन जब सिल की टेंडेंसी लेटरली स्प्रेड करने की नहीं होती है तो वो ओवरलाइंग रॉक को क्या होता है, डोम शेप में बना देता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। तो लेंस शेप बॉडी, ओके, विच डोम अपवर्ड्स, ओके, और कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, राइट, इज कॉल्ड लैकोलिथ, एंड लैकोलिथ इज अ कॉन्कॉर्डेंट बॉडी, ये आपको ध्यान में रखना है, कॉन्कॉर्डेंट। नाउ यूजली इसका जो मैग्मा होता है वो फेल्सिक नेचर का होता है, दैट्स वाई इट इज एबल टू डोम अप, बिकॉज फेल्सिक जो मैग्मा होता है वो विस्कस मैग्मा होता है, ठीक है ना। फेल्सिक आपको पता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, तो फेल्सिक वो होता है जिसमें SiO2 सिलिका का कंटेंट इज वेरी हाई, ओके, फेल्सिक मैग्मा। जनरली ग्रेनेटिक टू ग्रेनोडायरेटिक इसका नेचर होता है, तो ये लेटरल स्प्रेडिंग नहीं कर पाता, तो ये डोम शेप में बना देता है, ठीक है, एंड बिकॉज इट इज विस्कस सो दैट्स व्हाई इट टेक्स अ शेप ऑफ डोम, ओके। नाउ देयर आर फैकोलिथ्स, फैकोलिथ्स भी कॉन्कॉर्डेंट होती हैं और लेंस शेप्ड इग्नियस बॉडी होती हैं, और ये बेसिकली क्या होती है, जब फोल्डेड स्ट्राटा होता है हमारे पास, यानी कि फोल्ड्स होती हैं, तो ये क्रेस्ट, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ्स जो होते हैं इनको ऑक्यूपाई करती है, तो उसको हम बोलते हैं फैकोलिथ्स। नाउ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स को क्यों करती है, बिकॉज क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर रीजन ऑफ टेंशन एंड वीकनेसेस, ओके। तो यूजुअली क्या होती है, फोल्ड में हमारा जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा वो क्रेस्ट होगा या फिर हमारा ट्रफ होगा, ओके, यहाँ पे जो होती है रॉक्स वीकेस्ट होती हैं और यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है, तो यहीं पे ऑब्वियसली जो हमारा मैग्मा होगा वो अकोमोडेट होगा, और ये फैकोलिथ्स कॉन्कॉर्डेंट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इट इज नॉट इंट्रूडिंग द लेयर्स, ओके, इट इज नॉट इंट्रूडिंग द लेयर्स, ये पैरेलल हैं लेयर्स के। अब हम बात करते हैं प्लूटोनिक इग्नियस बॉडीज की, और प्लूटोनिक इग्नियस बॉडीज यानी कि जो डेप्थ में होती हैं, हाई डेप्थ, तो इसमें आता है लोपोलिथ्स, प्लूटॉन्स, बैथोलिथ, स्टॉक्स एंड बॉस, कोनोलिथ, वॉल्केनिक नेक्स एंड प्लग्स। तो सबसे पहले हम लोपोलिथ की बात करते हैं, लोपोलिथ इज अ लार्ज शॉसर शेप्ड इंट्रूजन विच कैन हैव डायमीटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो सबसे पहली बात, लोपोलिथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ लैकोलिथ। लैकोलिथ में डोम बन रहा था और यहां एक प्लेट, जैसे सॉसर होती है हमारी, प्लेट के तौर पे होती है ना, तो कुछ ऐसे बन रहा है, ओके। नाउ डिफरेंस क्या होता है लोपोलिथ में, लोपोलिथ बेसिकली क्या होता है, कॉन्कॉर्डेंट बॉडी होती है सबसे पहली बात, एंड यूजुअली माफिक नेचर होता है इनका, तो इनका जो मैग्मा होता है जिससे ये सॉलिडिफाई होती है, ये माफिक नेचर का होता है, यानी कि इसमें SiO2 जो होता है वो लेस होता है देन कंपेयर टू लैकोलिथ, ओके, सॉरी, इज लेस कंपेयर टू लैकोलिथ, ओके। तो माफिक आपको पता है कि जिसमें लेस देन 55% के आसपास होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 55% के आसपास, 55% से कम SiO2 होता है, तो उसको हम बोलते हैं माफिक मैग्मा। तो माफिक मैग्मा जनरली क्या होता है, लेस विस्कस,
ओके एंड मोर मोबाइल होता है। दूसरी बात, जो लोपोलिथ होते हैं आर लार्जर देन लैकोलिथ्स। ओके, तो लैकोलिथ अभी हमने देखा, ये लैकोलिथ जो होते हैं इनका डायमेंशन छोटा होता है और जो लोपोलिथ होते हैं इनका डायमेंशन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स है साउथ अफ्रीका में, ये भी एक लोपोलिथ बॉडी है, ठीक है ना। तो जनरली लार्ज लोपोलिथ जो होते हैं वो प्रीक्रैम्पियन एज के होते हैं, मोर देन 2.0 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, तो बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स साउथ अफ्रीका एक बहुत ही बड़ा इग्नियस प्रोविंस है और यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिनरलॉजी या मिनरल्स जो होते हैं वो माइन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है लगभग 300 किलोमीटर का, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, एंड थिकनेस ऑफ 8 किलोमीटर। तो लोपोलिथ जो होती है वो काफी बड़ी बॉडी होती है। पहली बात, लोपोलिथ इज बिगर देन लैकोलिथ। ओके, सेकंड इज लोपोलिथ इज माफिक इन is mafic in nature. Okay, okay, is mafic in nature and it is bigger in nature. Second, it is convex downward. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोनों जो बॉडी होती है, what is happening? Okay, बाकी जो दोनों बॉडी होती है वो कॉन्कॉर्डेंट होती है, ये सिमिलरिटी दोनों में है। ओके, अब हम बात करते हैं प्लूटोन्स, बैथोलिथ स्टॉक बॉस और प्लूटोन्स की। तो ये दोनों, ये जो एक दो तीन चार, ये चारों जो हैं स्ट्रक्चर, ये आपस में रिलेटेड हैं। तो प्लूटोन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्लूटोन्स आर लार्ज इग्नियस बॉडीज फॉर्म्ड एट डेप्थ इन अर्थ क्रस्ट। They range in size from cubic kilometer to hundreds of cubic of kilometers. We can study these large bodies when uplift and erosion uncover them and when mines or drill holes cut into them. Plutons are highly variable not only in size but also in shape and their relationship to the surrounding country rock. तो plutons क्या होता है? Basically large igneous bodies होती हैं जो बहुत ही depth पे पाई जाती हैं। अब होता क्या है कि जब ये plutons अपना magma जो है magma chamber solidify हो गया तो ये pluton बन गया, ठीक है। So ये हमारा प्लूटोन हो गया और ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसमें आपको लैकोलिथ भी दिख रहा होगा, ओके, सिल्स भी दिख रही होंगी, अपना डाइक्स भी दिख रही होंगी, ये डाइक्स होगी हमारी, ओके। तो प्लूटोन्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बैथोलिथ बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो प्लूटोन्स जनरली हम उसमें फॉर्म्स में डिस्क्राइब नहीं करते हैं बिकॉज प्लूटोन्स जो होता है वो बिल्डिंग यूनिट होती है बैथोलिथ की। Okay, so batholith are the largest igneous bodies of granitic composition that extend to considerably depth in crust and have exposure on earth surface exceeding 100 km square. ठीक है, तो अगर batholith जो होती है, सबसे पहले इनका कोई शेप नहीं होता है, एक irregular शेप होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो protons हैं ये solidify हो गए, एक दो तीन चार पांच, और ये पांच छह protons एक साथ मिलके हमारा बैथोलिथ बना रहे हैं। ओके, सो दिस इज अवर बैथोलिथ और ये सरफेस एक्सप्रेशन है। ओके, सो दिस इज अवर सरफेशियल आउटक्रॉप। अब होता क्या है कि बैथोलिथ का सबसे पहले साइज जो होता है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, ओके, इसका एरिया, और ये बहुत सारे प्रोटॉन्स को मिलके बनता है, ठीक है। यूजुअली ग्रेनेटिक इसका नेचर होता है, ठीक है, ग्रेनेटिक यानी कि फेल्सिक मैग्मा से बना होता है। बैथोलिथ जो होते हैं वो टिपिकली ओरोजेनिक बेल्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि माउंटेन, जहां पे माउंटेन बिल्डिंग हो रही होती है वहां पे पाए जाते हैं। थर्ड इज बैथोलिथ आर ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ रॉक दैट वी रिफर टू एज ग्रेनेटिक इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, ठीक है ना। तो ब्रॉड नेचर में तो ग्रेनेटिक होता है, यानी कि ग्रेनोडायराइट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट टू फेल्सिक इसका नेचर होता है।
पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ग्रेनेटिक ध्यान में रखना है, ठीक है। बोथ बैथोलिथ एंड स्टॉक्स आर डिस्कॉर्डेंट इंट्रूजन, ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्वियसली इतनी बड़ी बॉडी होगी तो आप देख सकते हैं बेडिंग को इंट्रूड कर रहा है, तो ये डिस्कॉर्डेंट बॉडीज होती हैं ज्यादातर। अब स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भी क्या होता है, एक बैथोलिथ होता है लेकिन एक छोटा बैथोलिथ होता है। तो स्टॉक इज अ प्लूटोन विद एन एक्सपोज एरिया लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका एरिया जो होता है इट इज लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। एंड बैथोलिथ हैज एरिया मोर देन 100 किमी स्क्वायर, ओके बैथोलिथ। बॉस की बात करें तो बॉस क्या होता है, एक स्मॉल स्टॉक होता है, बॉस भी एक स्टॉक ही होता है लेकिन इसका सर्कुलर आउटक्रॉप होता है। तो अगर कोई स्टॉक है और उसका सर्कुलर आउटक्रॉप है तो उसको हम बोलेंगे बॉस, ओके। तो ये बात रही, तो प्रोटॉन्स बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन्स हमारे सरफेस पे एक्सपोज नहीं होता है। तो जब मल्टीपल प्रोटॉन्स होते हैं वो सरफेस पे एक्सपोज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। अगर एक सिंगल प्रोटॉन है, छोटा प्रोटॉन है, यानी कि जिसका एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर से लेस है और वो सरफेस पे एक्सपोज्ड है, तब हम उसको बोलेंगे स्टॉक। एंड बॉस मैंने अभी बताया सर्कुलर आउटक्रॉप है अगर उसका, ठीक है। सो आप देख सकते हैं दिस इज स्टॉक, बात करें कोनोलिथ की तो कोनोलिथ इज अ इग्नियस रॉक इंट्रूजन ऑफ इररेगुलर शेप। A conolith has a demonstrable base which is absent in other types of irregularly shaped intrusion. So conolith is basically same as batholith, लेकिन इसका कोई हमारे area वगैरह का कोई conditions नहीं है, okay? और साथ ही साथ इसका एक base जरूर होता है, ठीक है? तो काफी irregular shape होता है, कुछ ऐसे हो सकता है इसका। तो एक definable base होता है, लेकिन shape जो होता है वो irregular होता है। अब हम बात करते हैं वोल्केनिक नेक और प्लग की। सो वोल्केनिक नेक इज एन इंट्रूसिव स्ट्रक्चर अपरेंटली फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा दैट सॉलिडिफाइड विद इन द थ्रोट ऑफ वोल्केनो। तो वोल्केनिक नेक मैं इसको प्लूटोनिक बॉडी नहीं करूंगा, ये शैलो इंट्रूसिव बॉडी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वोल्केनिक नेक कुछ नहीं होता, ये एक बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर एक वोल्केनो है, ठीक है ना, तो एंशियंट टाइम्स में लेट्स से दिस वाज अ वोल्केनो एंड दिस वाज अवर सरफेस, ठीक है। और वोल्केनो का जो नेक होती है जहां से मैग्मा फीड होता है, अगर वो सॉलिडिफाई हो जाए और फिर ये जो ओरिजिनल सरफेस है, ठीक है ना, ये वाला जो सरफेस है ये अगर इरोड हो जाए तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है ना, ये सॉलिडिफाइड मैग्मा का उसकी जो नेक होती है वो बचेगी। तो इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक नेक, या प्लग भी बोल सकते हैं इसको, वोल्केनिक प्लग, ठीक है। तो वोल्केनिक नेक इज एन इंट्रूसिव स्ट्रक्चर अपरेंटली फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट सॉलिडिफाइड बीनीथ द थ्रोट ऑफ अ वोल्केनो, और नेक रिप्रेजेंट प्लूटोनिक सिलिंड्रिकल फीडर डाइक्स। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज शिप रॉक इन न्यू मैक्सिको। तो ये शिप रॉक सबसे बेस्ट एग्जांपल है वोल्केनिक नेक का। तो ये अभी प्रेजेंट डे में है, हो सकता है एंशियंट टाइम्स में ये जो सरफेस है वो बहुत ही ऊपर रहा हो, ओके। तो इसको प्लूटोनिक बॉडी हम तब कह सकते हैं कि भाई उस जमाने में अगर वोल्केनो यहां पे रहो तो, और ये हमारा फीडर फीडर वेंट है, ओके, दिस इज अवर वोल्केनो और दिस इज अवर फीडर वेंट, ओके। तो यहां पे हम प्लूटोनिक इसे बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये काफी डेप्थ पे रहोगा। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या है, ये शैलो इंट्रूसिव बॉडी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज अवर वोल्केनिक नेक या प्लग, दिस इज शिप रॉक न्यू मैक्सिको। एक आपने डेविल्स टावर भी सुना होगा इन वायोमिंग, वो भी एक वोल्केनिक प्लग है। अब हम एक्सट्रूसिव इग्निस बॉडीज की बात करेंगे। तो एक्सट्रूसिव इग्निस बॉडीज में हम जनरली वोल्केनोस की बात करते हैं, तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं फ्लड बसॉल्ट की बात करूंगा सिर्फ, बाकी जो ये सब है ये वोल्केनो के पार्ट है। तो अगर मैं वोल्केनो पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब मैं इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। यूजली बहुत ही बेसिक है ये, तो ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। तो फ्लड बसॉल्ट की बात करते हैं। तो फ्लड बसॉल्ट आपने सुना होगा कि जनरली हम लावा के बारे में, क्योंकि हम अभी एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट की बात करें तो हम लावा की बात करेंगे, राइट, बिकॉज हम सरफेस से बाहर आ चुके हैं। तो जनरली हम लावा इरप्शन की बात करते हैं तो हम यूजुअली वोल्केनो के सोचते हैं, वोल्केनो के बारे में सोचते हैं, वी थिंक अबाउट
volcanoes, okay, something like this. But by far the largest volume of volcanic rock in the geological record erupted from long fissures that have very little topographic relief. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो फ्लड बसोल्ट जितना भी लावा होता है अभी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जितना भी इरप्ट हुआ है लावा, वो वॉल्केनो से इरप्ट नहीं हुआ है, वो जनरली फिजर इरप्शन से इरप्ट हुआ है. ओके, तो फिजर इरप्शन में क्या होता है, हमारा टोपोग्राफिक रिलीफ नहीं होता, यानी कि कोई सरफेस एक्सप्रेशन नहीं होता है वॉल्केनो के तौर पे. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब जनरली जो फ्लड बसोल्ट का लावा होता है वो क्या होता है, बसोल्टिक नेचर में होता है. ओके, सो एक तो सबसे पहले फिजर इरप्शन होता है. तो फिजर इरप्शन क्या बोलते हैं, ये आप डायग्राम देखिए, जो दोनों डायग्राम फिजर इरप्शन के हैं, तो आप देख सकते हो कि ये फिजर इरप्शन हो रहा है और ये जनरली एक्सटेंशन प्लेट बाउंड्रीज में होता है, जहां पे क्या होती है, दो प्लेट जो होती है वो आपस में एक दूसरे से अलग हो रही होती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्केनो तो है नहीं, ठीक है, कोई सरफेस एक्सप्रेशन तो ऐसा नहीं है ना उसका, ऐसा कुछ. ओके, सो दिस इज अवर फिजर इरप्शन. ओके, एक फिजर डेवलप होता है और वहां से जो है वो लावा इरप्ट होता है, और ये लावा बेसिकली क्या होता है, बसोल्टिक नेचर का होता है. एंड आपको अभी मैंने बताया था बसोल्टिक नेचर का जो लावा होता है, इट इज वेरी मोबाइल, हाईली मोबाइल. ओके, बिकॉज इट इज लेस विस्कस, इट इज लेस विस्कस, ओके, देन फेल्सिक लावा. ओके, तो ये रहा हमारा फिजर इरप्शन. वैसे यहाँ पे जो है ये प्लूम मॉडल है फिजर इरप्शन का, तो प्लूम में भी क्या होता है, हमारा मेंटल प्लूम्स जो होती हैं, अभी मैंने एक पे एक वीडियो भी बना रखी है, तो आप अगर चेकआउट कर सकते हो उसको, ठीक है. तो फिजर इरप्शन में क्या होगा, हमारा मेंटल प्लूम्स जो होगा वो क्रस्ट के आसपास रहेगा, फिर यहाँ पे मेल्टिंग शुरू होगी और ये एक्सटेंशनल कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे हमारा फ्लड बसोल्ट जो होगा वो डेवलप होगा. तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में जब बसोल्ट निकलता है, बसोल्टिक लावा निकलता है, तब उसको बोलते हैं फ्लड बसोल्ट, तभी उसका नाम दे रखा है फ्लड. ओके, तो फ्लड बसोल्ट आर एसोसिएटेड विद द रिफ्ट वैलीज एंड मेंटल प्लूम्स सच एज दोज इन अफार रीजन ऑफ इथियोपिया. तो इथियोपिया जो है वो अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका कुछ ऐसे है, अगर हमारा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, दिस इज अवर अरेबियन पेनिनसुला, ये ऊपर पे, ठीक है, और अफार यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है, रिफ्टिंग चालू हो रही है, तो यहाँ पे भी फ्लड बसोल्ट हमारा निकलना चालू हुआ है, ठीक है. वैसे हवाई रीजन में है, तो हवाई रीजन में हम उसको अभी फ्लड बसोल्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी लावा उतना जो है वॉल्यूम में नहीं निकला है, तो उसको हम फ्लड बसोल्ट नहीं बात करेंगे. लेकिन अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस लाइन इज अवर जियोलॉजिकल रिकॉर्ड फ्रॉम कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट टाइम्स. ओके, तो ये रेड में जो आप देख रहे हैं ये फ्लड बसोल्ट इवेंट हुए हैं. ओके, जैसे कि साइबेरिया में, ओके, एंड ऑर्डोविशन में. तो एक फेमस जो हुआ था वो पीटी एक्सटिंक्शन जो हुआ था, परमिन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, वो हुआ था साइबेरिया में. साइबेरिया में जब वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी कि फ्लड बसोल्ट जनरेट हुआ था, तो आप देख सकते हो कि एंड परमियन में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, और इसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन भी हुआ था. ओके, ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन इसको बोल सकते हैं पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में. देन एंड ट्रायसिक में भी एक फ्लड बसोल्ट इरप्शन हुआ था, CAMP. देन डेक्कन जो है सबसे फेमस है, डेक्कन बसोल्ट. ओके, सो डेक्कन बसोल्ट इज अ वेरी फेमस फ्लड बसोल्ट इरप्शन विच हैपन ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड. ओके, एंड क्रिटेशियस, तो डायनासोर्स की डेथ का जो पेटी एक्सटिंक्शन था, वो एक तो एस्ट्रॉयड तो था ही था, लेकिन डेक्कन ट्रैप्स को भी एक प्रिकर्सर माना जाता है फॉर केटी एक्सटिंक्शन. ओके, अब होता क्या है कि व्हेन फ्लड बसोल्ट कूल्स एंड श्रिंक्स, सेट ऑफ कॉलमनर जॉइंट प्रोपगेट्स इनटू फ्लो फ्रॉम देयर लोअर एंड अपर सर्फेसिस. ओके, तो जब फ्लड बसोल्ट कूल होती है, तो कभी कभी हमारे पास एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलमनर जॉइंट्स. ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये कोई आर्टिफिशियल क्रिएशन नहीं है, ये एक नेचुरल है पूरा, और ये
लावा जो है फ्लड बसोल्टिक लावा, जब ये फ्लड बसोल्ट से कूल डाउन हुआ जब टाइम के साथ, तो इसने एक कॉलमनर ज्वाइंट बना दी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कॉलमनर ज्वाइंट कैसे बनते हैं। होता क्या है कि जो बाहर का एरिया है ये कूल होता है, ओके, और एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बनता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होके सिक्स साइडेड लेयर बना देता है। ओके, अगेन ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बनते हैं कॉन्ट्रैक्शन के एंड रिजल्ट इन कॉलमनर ज्वाइंटिंग। तो कॉलमनर ज्वाइंटिंग सिक्स साइडेड भी हो सकती है, सेवन साइडेड भी होती है, कभी कभी फोर साइडेड भी होती है। ओके, यहाँ पे सिक्स साइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉलमनर ज्वाइंटिंग। जनरली हम इसको स्ट्रक्चर में यूज करते हैं इसका टर्म, लेकिन मैंने अभी यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। तो कॉलमनर ज्वाइंटिंग में दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है कोलोनेट और दूसरा होता है हमारा इंटरब्लेचर। ओके, सो कोलोनेट कुछ नहीं होता है, कोलोनेट जो जनरली, अब यहाँ पे भी हमारा जो है ये बसॉल्ट है, ये पूरा हमारा फ्लड बसॉल्ट है और ये कूल डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलमनर ज्वाइंटिंग बनी हुई है, हमारा ये कॉलम्स हैं। ओके, तो अगर कॉलम्स बने हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे कोलोनेट। ओके, सो कोलोनेड इज बेसिकली द कॉलम्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस फ्रॉम विच दे कूल एंड आर रिफर्ड टू एज कोलोनेड। ओके, तो दीज आर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ये सर्फेस है हमारा। ओके, ये प्री एग्जिस्टिंग सर्फेस रहा होगा और इसके जरिए कूल हुए तो ये कॉलम्स बन चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोलोनेड। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेपरेट टाइप का कॉलम है और ये कुछ अलग है, तो ये एक रेडिएटिंग कॉलम जो है थोड़ा सा इरेगुलर, इसको हम बोलेंगे इंटरब्लेचोर। ओके, सो कॉलम्स दैट प्रोपगेट डाउन फ्रॉम द टॉप विच आर नोन एज इंटरब्लेचोर आर स्मॉलर एंड फॉर्म मोर इरेगुलर पैटर्न दैट फैन आउट फ्रॉम द मास्टर ज्वाइंट्स डाउन विच वाटर परकुलेट्स एंड प्रमोट्स कूलिंग। तो अगेन ये क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, तो ये हमारा ये वाला जो है ये कोलोनेड हो गया, ये अपर कोलोनेड हो गया एंड दिस इज अवर इंटरब्लेचोर। तो ये कुछ रेडिएटिंग जो कॉलम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरब्लेचोर। ओके, तो ये बात रही कॉलमनर ज्वाइंट्स की। तो अगेन डेक्कन ट्रैप्स मैं बात कर रहा था, ये हमारा इंडिया हो गया और डेक्कन ट्रैप्स का एरिया आप देख सकते हो कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लड बसॉल्ट ड्यूरिंग डेक्कन ट्रैप्स टाइम इन क्रिटेशियस, ये पीरियड क्रिटेशियस लगभग 65 मिलियन ईयर्स के आसपास ये हुआ था। ठीक है, वैसे साइबेरियन जो इरप्शन हुआ था पीटी में, उसका एरिया आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो ये फ्लड बसॉल्ट है हमारी। ठीक है, एंड हाउ दीज लावा आर एबल टू मूव कवर सो मच एरिया, बिकॉज ये लावा जो थे बसॉल्टिक नेचर के थे। ओके, एंड बसॉल्टिक जो लावा होता है, अगेन मैं कह रहा हूँ, मोबाइल होता है एंड इज लेस विस्कस बिकॉज इट कंटेन्स FeNMg। तो आप देख सकते हो कि जो फ्लड बसॉल्ट, डेक्कन फ्लड बसॉल्ट है, इसका एरिया कितना रहा होगा, लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका। ओके, एंड वॉल्यूम अराउंड 1 मिलियन किमी क्यूब। ओके, सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द फ्लड बसॉल्ट हेयर वे फिजर इरप्शन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर बेसिकली कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्केल फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म में अंतर यह क्या है कि फॉर्म जो होती है जनरली शेप एंड साइज पे बेस्ड होती है इग्नियस रॉक्स की। ओके, एंड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म से भी छोटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगेन स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल में। लार्ज स्केल सच एज लावा फ्लो, लाइक रोपी टाइप ऑफ लावा, ब्लॉकी लावा। ओके, स्मॉल स्केल फीचर सच एज जक्स्टा पोजिशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ टेक्सचर। ओके, तो टेक्सचर जो इग्नियस रॉक्स का होता है, जब आपस में हम उसको देखते हैं तो स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स हम उनसे बना सकते हैं, जैसे कि एमिग्डलॉइडल स्पेलिटिक टेक्सचर्स, ओके, एटसेट्रा। टेक्सचर वर्सेस स्ट्रक्चर, टेक्सचर इज द साइज एंड शेप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स
ग्रेन इन द रॉक एंड आर स्मॉल स्केल फीचर्स देन स्ट्रक्चर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ा होता है हमारा फॉर्म, देन आता है स्ट्रक्चर, देन आता है टेक्सचर। ओके, तो ये हमारे हायरार्की है इग्नियस रॉक्स की। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, फॉर्म आर वेरी लार्ज साइज, ओके, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर, स्ट्रक्चर बहुत छोटे होते हैं एंड टेक्सचर इज अगेन वेरी स्मॉल स्केल। तो सबसे पहले हम लावा फ्लोज की बात करते हैं। तो अभी मैंने फ्लड बसोल्ट की बात की थी, तो फ्लड बसोल्ट तो काफी बड़ा होता है एरिया में, लेकिन लावा फ्लोज होते हैं जो जनरली टिपिकली जो वोल्केनोस से लावा निकलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लावा फ्लोज, एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लावा फ्लोज। सबसे पहले तो हमारा जो बसोल्टिक लावा जो आपको पहली इमेज में दिख रहा है, दिस इज अवर फर्स्ट इमेज एंड दिस इज अवर रेड हॉट बसोल्टिक लावा, ये हवाई का है। और ये लावा जो होता है वो बहुत ही मोबाइल होता है। अगर आप वीडियोस देखेंगे बसोल्टिक लावा की हवाई में, तो आप देख सकते हो कि ये एक रिवर की तरह फ्लो करते हैं, बिकॉज दे आर बसोल्टिक इन नेचर एंड बसोल्टिक लावा अगेन इज हाईली मोबाइल एंड वेरी लेस विस्कस। देन यहाँ पे आपको ब्लॉकी लावा दिख रहा होगा। ओके, तो ब्लॉकी लावा क्या होता है, ऑब्वियसली जो लावा ब्लॉक्स में होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स, एंगुलर ब्लॉक्स, इसको बोलते हैं ब्लॉकी लावा। देन देयर इज रोपी लावा हेयर। ओके, तो ये रोप्स आप देख रहे होंगे रोप शेप में, तो ये रोपी लावा है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पाहोहो लावा। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। देन देयर इज पिलो लावा, तो ये पिलो शेप में जब लावा होता है अंडर वाटर, जब लावा बेसिकली कूल डाउन होता है, ठीक है, तो ओशन होता है हमारे पास, लेट्स से एंड दिस इज अवर, लेट्स से दिस इज अवर ओशन, एंड यहाँ नीचे अगर कोई इरप्शन हो रहा है लावा का, तो ये पिलो शेप ले लेता है लावा हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं पिलो लावा। ये आइसलैंड का है। Then again transition from sorry, so this is our ropey lava और ये transition कर रहा है blocky lava में यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा obviously columnar basalt है। तो जो आ lava होता है, ठीक है ना, आ lava basically blocky lava होता है। तो generally जो text books में दे रखा रहता है वो ये दे रखा रहता है कि जो आ लावा है वो बेसिकली ब्लॉकी लावा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आ लावा में क्या होता है, जो लावा का टेक्सचर होता है वो रबल के तौर में होता है, जैसे कि छोटी छोटी रॉक्स के तौर पे, ठीक है। रोपी लावा तो पाहो लावा होता ही है, लेकिन ब्लॉकी लावा इज एक्चुअली डिफरेंट। नाउ मैं अगेन ये कह रहा हूं कि जो टेक्स्ट बुक में रहता है वो आ लावा को ब्लॉकी लावा बोलते हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना, लेकिन जो ब्लॉकी लावा एक्चुअल में होता है वो फेल्सिक कंपोजिशन का होता है, ठीक है ना, मोर फेल्सिक कंपोजिशन। ओके, तो सिलिका कंटेंट इज जनरली मोर देन 55%, बट आ लावा इज सेम कंपोजिशन एज ऑफ रोपी लावा। ओके, सो रोपी लावा क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे रोपी लावा की। जो रोपी लावा होता है उसका सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, आ लावा का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, जैग्ड होता है, एंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो रोपी जो लावा होता है वो बसोल्टिक फ्लो में डेवलप होता है। अगेन आ लावा भी क्या होता है, बसोल्टिक फ्लो में डेवलप होता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, रोपी लावा के लिए क्या होती है, जो कंपोजिशन होती है वो बसोल्टिक होना जरूरी है, लेकिन आ लावा क्या होता है, बसोल्टिक भी हो सकता है एंड इंटरमीडिएट का भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो रोपी लावा गैस वेसिकल्स आर स्मॉलर बट न्यूमरस, एंड आ लावा में क्या होता है, गैस वेसिकल्स आर, तो जो गैस कंटेंट होता है आ लावा में वो हाई होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड रोपी लावा हैज हाई टेम्परेचर बट लेस गैस, ओके, एंड आ लावा हैज लो टेम्परेचर बट हाई गैस कंटेंट, ओके। सो लावा फ्लो दैट वाज ओरिजिनली पाहो मे ट्रांसफॉर्म इनटू आ लावा, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ओरिजिनली लावा फ्लो जो वो है ये पाहो लावा है और ये
लावा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि आ लावा जो होता है वो जनरली बेस्ट फॉर्म होता है बसाल्टिक कंपोजिशन का, लेकिन ये एंडेसिटिक कंपोजिशन हो सकता है इसका, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंपोजिशन हो सकता है। एंड्रोपी लावा हैज मोर आयरन कंटेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लॉकी लावा जो होता है वो जनरली डिफरेंट होता है आ लावा से, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट बुक में है वो जो डिफाइन करते हैं वो आ लावा को ब्लॉकी लावा ही बोलते हैं, बट ब्लॉकी लावा में एक्चुअली फेल्सिक कंपोजिशन ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज मोर एंगुलर इन नेचर एंड लेस मोबाइल। ओके, तो ब्लॉकी लावा इज कंपोज ऑफ लार्जर ब्लॉक्स देन आ लावा एंड दीज ब्लॉक्स हैव मच स्मूदर सर्फेसेस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। पिलो लावा की बात मैंने कर ली, तो ये ब्लॉकी लावा है। ऑलराइट, एंड तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लॉकी लावा है ये इसके जो एंगुलर फ्रेगमेंट्स हैं वो बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, तो ये फेल्सिक नेचर का होता है एंड इसमें गैस कंटेंट भी हाई रहता है। एंड ये रोपी लावा है जो है ये वाला, दिस इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू आ लावा। तो ये आ लावा में आपको देखेंगे एंगुलर जो ब्लॉक्स हैं इतने बड़े नहीं है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोपी एंड पाहो लावा। अब हम बात करते हैं वेसाइकुलर एंड अमिगडलॉइडल स्ट्रक्चर्स की। तो वेसाइकल्स बेसिकली क्या होते हैं, फॉसिल बबल्स, यानी कि जब बसाल्टिक लावा या कोई सा भी लावा कूल डाउन होता है तो उसमें जो गैस ट्रैप्ड रहती है वो जब बाहर निकलती है तो एक वसाइकल्स बना देती हैं, तो इनको बोलते हैं वसाइकल्स। ओके, कैविटी टाइप की बना देती हैं, तो इसको बोलते हैं वसाइकुलर टेक्सचर या वसाइकुलर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा वसाइकुलर स्ट्रक्चर। और जब इन वसाइकल्स में सेकेंडरी मिनरल्स जो होते हैं वो इन वसाइकल्स को ऑक्यूपाई करते हैं तो हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं एमिगडलॉइडल। ओके, एमिगडलॉइडल, तो सेकेंडरी मिनरल्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वसाइकल्स को वो हो सकते हैं क्वार्ट्स, कैल्साइट या जियोलाइट। ओके, तो सेकेंडरी मिनरल क्या होता है, अ मिनरल दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रॉक ओरिजिनली फॉर्म्ड। ओके, तो ये रॉक फॉर जो वेसाइकल फॉर्मेशन के बाद अगर मिनरल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉर्मेशन। अगेन, दिस इज अवर स्कोरिया रॉक जो बहुत फेमस है वेसाइकुलर स्ट्रक्चर या टेक्सचर के लिए। तो आपको कमेंट डाउन करना है स्कोरिया और प्यूमिस में अंतर क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। देन हमारा कोरोना, सॉरी, तो ये हमने बात की वेसाइकुलर और लावा फ्लो हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा रिएक्शन रिम्स आता है। तो जब कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ वन और मोर मिनरल्स कंप्लीटली अनसर्कल एन ओल्डर फेस द लेयर्स, सॉरी, रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस टू रिप्लेस द मिनरल इन कोर और सेंटर ऑफ द कोरोना। तो एक कोरोना स्ट्रक्चर होता है जो रिएक्शन रिम स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है कोरोना और एक होता है क्लिफिटिक। तो क्लिफिटिक जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है एंड कोरोना इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो क्रिस्टलाइजेशन के जब प्राइमरी क्रिस्टलाइजेशन होता है तब फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि कोरोना स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। होता क्या है कि जब रिएक्शन जो होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स मिनरल के रिएक्शन इनकम्प्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला ये जिस सच एज पहला ये मिनरल बना होगा और उसके बाद रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा तो दूसरा मिनरल बन गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कोरोना स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पहला है सफायरीन, ओके, मिनरल, दिस इज योर सफायरीन मिनरल। एक सफायर जैसा मिनरल होता है, यानी कि हमारा जो क्या हो सकते हैं इसको, कोरोंडम। ओके, सो कोरोंडम जैसा होता है लेकिन कोरोंडम नहीं होता है। ओके, सफायर जैसा होता है ये मिनरल, और जब ये रिएक्शन इनकम्प्लीट हुआ तो इसके अंदर इस पे एक रिम चढ़ गया, रिएक्शन रिम सिलिमनाइट का।
तो ये सिलिमिनाइट जो होता है एक मिनरल होता है, एंड देन यहाँ पे ओपीएक्स का रिम चढ़ गया, अगेन रिएक्शन इनकम्प्लीट हुआ तो ऑर्थो पाइरोक्सिन, और ये हमारा जो बाहर व्हाइट है ये हमारा क्वार्ट्ज है। तो ये बात रही हमारी कोरोना स्ट्रक्चर की। फिर हमारा जीनोलिथिक स्ट्रक्चर आता है। तो जीनोलिथिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, जब मैग्मा में जो होता है फॉरेन मटेरियल्स ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि ओके क्रिस्टलाइजेशन के दौरान फॉरेन मटेरियल ट्रैप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोलिथिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ड्यूनाइथ का जीनोलिथ है, तो ये हमारा मैग्मा रहा होगा और ये क्या कर, ये लोअर मेंटल से हमारा ड्यूनाइट के रॉक को इसने इनकॉर्पोरेट कर दिया। ओके दिस इज अवर ड्यूनाइट। ड्यूनाइट आपको पता है 90% से ज्यादा जब ऑलिविन होता है तब इसको ड्यूनाइट बोलते हैं। तो इस ड्यूनाइट को हम यहाँ पे बोलेंगे जीनोलिथ। ओके जीनो मतलब फॉरेन, फॉरेन फ्रेगमेंट ऑफ रॉक। अब बात करते हैं पेगमेटिटिक स्ट्रक्चर। पेगमेटिटिक स्ट्रक्चर क्या होती है, जब रॉक में क्या होता है 3 सेंटीमीटर से बड़े क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, और एंटायरली जो रॉक होती है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा क्रिस्टल्स को इनकॉर्पोरेट करती है, तो उसको बोलते हैं पेगमेटिटिक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं ये रॉक है एक, और उसमें जो मिनरल के क्रिस्टल्स हैं ये बहुत ही बड़े बड़े बन चुके हैं 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो इसको बोलते हैं पेगमेटिटिक स्ट्रक्चर। तो पेगमेटिटिक स्ट्रक्चर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एंड स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बनता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्रिस्टल्स तो जनरली प्लूटोनिक एनवायरनमेंट में ज्यादा बड़े बनते हैं या जब उनको स्लो कूलिंग मिलती है तब ज्यादा बनते हैं, पर ऐसा पेगमेटिक केस में नहीं है। पेगमेटिक केस में क्या होता है, तो जैसा कि यहां पे लिखा है कि दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन इंट्रूसिव रॉक्स, द एक्स्ट्रा साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज डज नॉट मीन दैट दे कूल एक्स्ट्रा स्लोली, इट मीन्स दैट द लार्ज क्रिस्टल ऑफ पेगमाटाइट फॉर्म्ड इन अ मैग्मा दैट वाज एक्स्ट्रा रिच इन डिसॉल्व वाटर। ओके तो डिसॉल्व वाटर में अगर मैग्मा एक्स्ट्रा रिच होगा तो जो नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं वो डिफ्यूज होंगे एक्स्ट्रा फास्ट टू द साइट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की साइड में जब ये एलिमेंट्स जो होते हैं, केमिकल स्पीसीज होती हैं जो फास्ट डिफ्यूज होंगी, तो हमारे जो क्रिस्टल्स भी होंगे, सपोज हमारा ये क्रिस्टल बन रहा है ठीक है ना, और केमिकल स्पीसीज डिफ्यूज हो रही हैं फास्टली और ये साइट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे जा रही है, तो हमारा क्रिस्टल भी जो होगा वो बड़ा बनेगा ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक तो हमारे लार्ज क्रिस्टल तब बनते हैं जब कूलिंग टाइम जो होता है वो स्लो होता है, स्लो ठीक है, और ये प्रोटोनिक एनवायरमेंट में होता है यानी कि डीप डाउन द अर्थ सरफेस, और दूसरा केस ये वाला है ठीक है ना, जब मैग्मा में वाटर ज्यादा हो जाता है और डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है तो पेगमेटिटिक स्ट्रक्चर बनता है। ओके जनरली ये पेगमेटिक जो होता है ये वीन्स में पाया जाता है। फिर हम जॉइंटिंग एंड शीट स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली रॉक्स जो होती हैं रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर हो गया। म्यूरल जॉइंटिंग जो होती है ग्रेनाइट में पाई जाती है। ओके सो दिस इज योर जॉइंट स्ट्रक्चर। कॉलमनर और प्रिज्मेटिक की बात तो हमने कर ली, तो कॉलमनर बसॉल्ट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटीफुल आयरलैंड का शीट वो है जॉइंट कॉजवे, आयरलैंड में है, तो ये कॉलमनर बसॉल्ट आप देख सकते हैं, तो इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन आता है रिफ्ट एंड ग्रेन। तो रिफ्ट एंड ग्रेन इज द डायरेक्शन ऑफ इजिएस्ट फ्रैक्चर। रिफ्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इजिएस्ट फ्रैक्चर। द रिफ्ट एंड ग्रेन एंड हार्डवे आर द प्लेन्स अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल टू वन अदर अलॉन्ग विच ग्रेनाइट फेल्स मोस्ट इजिली अंडर टेंशन। तो रिफ्ट इज ड्यू टू पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज एंड इज approximately horizontal in most granites. The grain is the direction of foliation. The hard way may be direction of right angle to the other two. So rift and grain basically कुछ नहीं होता, ये structure होते हैं, ये granitic rock में ज़्यादा पाए जाते हैं। Okay, तो ये structure generally क्या करते हैं, जब granite को तोड़ते हैं हम तब इन structure का use लेते हैं ठीक है ना, use में लेते हैं। तो rift के direction में along क्या होता है, so this is the direction of the rift. इसके अलावा इजीली क्या होता है, हम रॉक को तोड़ सकते हैं
ठीक है ना, ग्रेन के डायरेक्शन में भी, लेकिन हार्डवेयर डायरेक्शन में हम रॉक को तोड़ नहीं सकते हैं, तो रफ सरफेस इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। ओके ओके, तो जो ग्रेन होता है ये आपको ध्यान में रखना कि ग्रेन इज इन डायरेक्शन ऑफ फोलिएशन। ओके सो ये फोलिएशन की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोलिएशन, एंड ग्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं इज इन डायरेक्शन ऑफ फोलिएशन की डायरेक्शन में होता है, एंड ड्रिफ्ट जो होती है वो नॉर्मल टू फोलिएशन डायरेक्शन। ओके सो रिफ्ट की डायरेक्शन में इजी रॉक जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, और यहां पे जो रॉक की बात कर रहे हैं वो ग्रेनाइटिक रॉक है। फिर हमारे कुछ माइक्रो स्केल स्ट्रक्चर आते हैं जिनको टेक्सचर की श्रेणी में हम रख सकते हैं, स्फेरिटिक, ऑर्बिकुलर, मियारोलिटिक। तो स्फेरिटिक जो टेक्सचर होता है इसमें थिन मिनरल्स फाइबर्स ऑफ वेरियस साइज आर अरेंज्ड इन परफेक्ट और सेमी परफेक्ट रेडियल मैनर। ओके तो जो मिनरल्स जो होते हैं ये रेडियल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, तब इसको बोलेंगे स्फेरिटिक स्ट्रक्चर। ओके तो ये एक सिंगल स्फेरियल है, और वैसे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्फेरियल आपको देख रहे होंगे, ठीक है ना, एग्रीगेट्स। तो ईच को अगर हम मैग्निफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके द ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर रेयर टाइप होता है, रॉक मास अपेयर्ड एज इफ कंपोज्ड ऑफ बॉल लाइक सेग्रीगेशन होते हैं इसमें, ठीक है ना, ये बॉल आपको दिख रही है, एंड ईच बॉल इज कंपोज्ड ऑफ कंसेंट्रिक शेल ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ऑलराइट ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो ईच बॉल है इसमें पॉलीक्रिस्टलाइन होता है। ओके ऑर्बिक्यूल्स जो होते हैं इनको हम ऑर्बिक्यूल्स बोलते हैं, और ये पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये क्वार्ट्ज, एम्फीबॉल, बायोडाइट वगैरह इनके बने होते हैं। देन मियारोलिटिक स्ट्रक्चर होता है, तो जब क्या होता है कि किसी भी रॉक में एक कुछ कैविटी बन जाती है, ओके क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, तो इट गेट्स फिल्ड विद वोलेटाइल कंपोनेंट एंड देन एनलार्जेस एंड फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इन देम। ठीक है तो हमारा लेट्स से कोई रॉक है, इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन के दौरान क्या है, वोलेटाइल फंस चुका है। ओके तो ये एक्सपेंड होगा फिर ड्यू टू वोलेटाइल नेचर, और एक्सपेंड होने के बाद इसके अंदर कैविटी बन जाएगी, और ये कैविटी फिर अगेन किसी दूसरे मिनरल से फिल हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं मियारोलिटिक स्ट्रक्चर। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ आपको अगर दिक्कत है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। ओके वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी है तो, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।